Hello and welcome to all learners. Myself Professor Roshan Yerne, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Today we learn about the introduction of induction motor. Now first the question arising in mind: the what is meant by the induction motor? The induction motor is nothing but that the motor. Which convert the electrical energy into the mechanical energy. So we first learn about the learning outcomes. Able to understand about three-phase induction motor, elaborate the production of RMF of induction motor, describe various advantages and disadvantages of three-phase induction motor. Now we learn the what are the advantages and disadvantages of three-phase induction motor. So these are the advantages and disadvantages of three-phase induction motor. एडवांटेज आर लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड क्योंकि इसके लिए अपने को मेंटेनेंस बहुत कम लगता है क्योंकि इसमें कम्यूटेटर नहीं होता ब्रशेस नहीं होते इसके कॉस्ट भी लो हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारा रेक्टिफायर यूज़ नहीं होता देन स्पार्किंग विल नॉट अकर्ट क्योंकि यहाँ पे ब्रशेस प्रेजेंट नहीं होते जो कि डीसी मोटर में होते हैं लेकिन यहाँ नहीं होते देन ऑपरेटेड इजीली इन डस्टी एनवायरनमेंट अपन डीसी मोटर को डस्टी एनवायरनमेंट में नहीं कर सकते लेकिन इसको हम डस्टी एनवायरनमेंट में इजीली ऑपरेट कर सकते हैं ऑपरेटेड इन हाई पावर एंड स्पीड हम हाई पावर में भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं और हाई स्पीड के लिए भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं देन स्मॉलर साइज एंड वेट इसका जो वेट होता है और जो साइज़ है बहुत ही स्मॉल होता है जिसके वजह से हम इजीली कहीं पे भी इसको हैंडल कर सकते हैं लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं जैसे कि पहला डिसएडवांटेज है स्पीड कंट्रोल इज नॉट फ्लेक्सिबल नॉट फ्लेक्सिबल का मतलब हम किसी भी स्पीड पे इसको जो है वो वैरी फास्टली वैरी नहीं कर सकते लेकिन डीसी मोटर जो है वो फास्टली वेरी हो सकता है यही एक जो है इसका मेन डिसएडवांटेज है सेकंड सम टाइप ऑफ मोटर हैविंग लो स्टार्टिंग टॉर्क सम टाइप ऑफ मोटर मींस नथिंग बट लाइक एज स्क्रल केज इंडक्शन मोटर जो केज इंडक्शन मोटर होता है उसकी जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कम होती है बाकी लेकिन इसमें स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर वगैरह जो होते हैं उसकी स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो हाई होती है नेक्स्ट द फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट कैन नॉट बी कंट्रोल सेपरेटली जैसे आपको पता है कि डीसी मोटर में हम फ्लक्स कंट्रोल मेथड आर्मेचर करंट कंट्रोल मेथड ये दोनों मेथड अलग अलग तरीके से सेपरेटली अपन इसको फॉर्म करते हैं लेकिन यहाँ पे ये दोनों मेथड एक साथ अपन कंट्रोल नहीं कर सकते या इसको सेपरेटली भी कंट्रोल नहीं कर सकते सो so, ये है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंडक्शन मोटर नाउ वी लर्न द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर सो द इंडक्शन मोटर विल बी वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट प्रिंसिपल इज नथिंग बट कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल ये आप लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल है इसमें कहा गया है कि इंडक्शन के वजह से जो एक साइड की एनर्जी दूसरे साइड में जाती है यानी एक सर्किट की एनर्जी दूसरे सर्किट में जाती है दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ इंडक्शन प्रिंसिपल यानी एक के एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इंडक्शन होना इट इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल अब क्या होता है इंडक्शन मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है तो फर्स्ट वी गिव द थ्री थ्रिपे एसी सप्लाई टू द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर सबसे पहले हम थ्री थ्रिपे एसी सप्लाई देते हैं इंडक्शन मोटर को उससे क्या होता है जो स्टेटर वाइंडिंग है वो स्टेटर वाइंडिंग क्या करता है एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है आर एम एफ और ये जो आर एम एफ है ये कहाँ पे रिवॉल्व होता है जो गैप होता है स्टेटर और रोटर के बीच का उस स्टेटर और रोटर के बीच के एयर गैप में ये क्या होता रहता है रिवॉल्व होते रहता है अब वो रिवॉल्व होने के लिए यहाँ पे जो आ, स्पीड है इसकी जो स्पीड होती है रिवॉल्यूशन की वो जो स्पीड होती है वो गिनी जाती है एनएस से एनएस इज नथिंग बट सिंक्रोनस स्पीड यानी जो आर एम एफ जो रोटेट होता है एयर गैप के बीच में उस स्पीड को हम बोला जाता है सिंक्रोनस स्पीड अब सिंक्रोनस स्पीड से आर एम एफ घूम रहा है लेकिन अपना अभी रोटर कैसा है स्टेशनरी रोटर कैसा है स्टेशनरी तो रोटर स्टेशनरी होने के वजह से नाउ द आर एम एफ कट बाय द रोटर बार और वाइंडिंग जो रोटर के बार होते हैं वो उस आर एम एफ को क्या करते हैं कट करते हैं जैसे ही आर एम एफ को कट करता है तो अपन ने को बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पड़े हैं कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड को कट किया जाता है तो वहां क्या इंड्यूस होता है ई एम एफ तो यहां पे जैसे ही रोटर बार जो है आर एम एफ को कट करेंगे तो यहां पे एक ई एम एफ इंड्यूस होगा जो कि रोटर वाइंडिंग में अब ये जो ई एम एफ है ये इंड्यूस होते रहेगा जितना आरएमएफ कट होते जाएगा उतना धीरे धीरे ई एम एफ इंड्यूस होते जाएगा और इसके वजह से दिस ई एम एफ विल ग्रेजुअली इंक्रीजेस ये ईएमएफ क्या होता है ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाता है अब ईएमएफ ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ उसके वजह से क्या होता है ईएमएफ करंट प्रोड्यूस करता है यानी रोटर का करंट है वो भी ग्रेजुअली क्या होते जाएगा इंक्रीज होते जाएगा जैसे-जैसे रोटर करंट अपना इंक्रीज होते हुए जाता है वैसे-वैसे क्या होता है वो जो रोटर करंट है वो डायरेक्शन उसको क्या करता है अपोज करता है और किसको अपोज करता है कॉज बिहाइंड प्रोड्यूस यानी जिसने उसको प्रोड्यूस किया उसी को वो क्या करता है अपोज करता है ये भी अपन ने पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ यानी लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जैसे ही रोटर करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ और वो ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ ये करंट current... करंट जो है जिसने इसको प्रोड्यूस किया वो उसको अपोज करेगा अब करंट अगर इसको अपोज करेगा यानी करंट को किसने प्रोड्यूस किया ईएमएफ ने ये ईएमएफ को अपोज करेगा ईएमएफ को किसने प्रोड्यूस किया तो आरएमएफ को यानी इसका मतलब ये है कि नथिंग बट दैट कि रोटर करंट विल अपोजेस टू द आर एम एफ और जैसे ही ये करंट आर एम एफ को अपोच करता है अपोच करने के वजह से यहाँ पे एक रिलेटिव वेलोसिटी प्रोड्यूस हो जाती है और उस रिलेटिव वेलोसिटी को बोला जाता है नथिंग बट अ फोर्स और ये क्या करता है उस रोटर के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करता है और रोटर के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करने के वजह से रोटर जो है उस रोटर करंट के डायरेक्शन में या आरएमएफ के डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू होता है यानी अगर आपका आरएमएफ क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मोटर भी जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगी अगर आपका आरएमएफ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपका मोटर भी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू होता है सो दिस इज नथिंग बट अ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर नाउ नेक्स्ट वी लर्न अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ आरएमएफ। यानी आरएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है तो अपने को पता है कि आरएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है कि जब किसी स्टेटर वाइंडिंग को हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं जैसे कि ये सर्किट डायग्राम में देखिए ये इंडक्शन मोटर का सर्किट डायग्राम है ये स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है ये डेल्टा कनेक्टेड चाहे अपन मान लेते कि एक स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग का एक इंडक्शन मोटर है जिसको अपन ने थ्री फेज सप्लाई दी थ्री फेज सप्लाई देने से क्या होता है स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग को वहां पे हर एक जो फेज है ये 120 डिग्री फेज शिफ्टेड होता है अपने को पता है कि थ्री फेज सप्लाई जो है वो कैसा होता है हर एक 120 डिग्री फेज शिफ्टेड होता है नाउ जिसके वजह से यहां पे जो प्रोड्यूस होने वाला करंट जो होता है ये करंट भी 120 डिग्री फेज शिफ्टेड होता है अब करंट क्या करता है करंट हर फेज का हर करंट जो है वो खुद अपना एक सिंगल फ्लक्स जनरेट करता है अब अगर करंट अगर 120 डिग्री फेज शिफ्टेड है तो इसका मतलब फ्लक्स भी 120 डिग्री फेज शिफ्टेड रहेगा यानी आर में जो प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स रहेगा फायर Y में जो प्रोड्यूस होने वाला जो फ्लक्स है वो है फाइव आई और जो बी में प्रोड्यूस होने वाला जो फ्लक्स है वो फाइवी यानी फाइव फाइव आई से वन ट्वेंटी डिग्री फेस शिफ्टेड है फाइव आई जो है वो फाइव बी जो है ये फाइव आई से वन ट्वेंटी डिग्री फेस शिफ्टेड है यानी इसका मतलब फाइव आर से कितना है टू फोर्टी शिफ्टेड यानी ये एक मेक से जो फेजेस जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं है, ये फेजेस के वजह से ये भी एक मेक से 120 है। अगर मान लेते हैं किससे फाइआर से कितना है? 120. तो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस वन ट्वेंटी अब देखते हैं कि फाइवी फाइव फाइआर से कैसा है ये इससे 120 और ये इससे 120 तो इसका मतलब टोटल कितना हुआ 240 और इसलिए यहाँ पे फाइव जो होता है ये फाइव से कैसा होता है फाइव साइन ओमेगा तो यहाँ तक अपन ने तीन फ्लक्सेस जो है जनरेट किए अब टोटल जो RMF होता है इसका मतलब क्या होता है टोटल आर इज नथिंग बट एडिशन ऑफ फाइव फाइव एंड फाइव इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ टोटल आर एम एफ नाउ अब इसको अपने को देखने के लिए वी कंसिडर द सिंपली दिस इज एज अ वाइंडिंग आर आइडेंटिकल एंड सप्लाई इज बैलेंस द मैग्नेट्यूड ऑफ ईच फ्लक्स इज फाइम यानी अगर पूरा अगर अपना जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा फाइम ये फायर यानी जो आर फेज के वजह से जनरेट हुआ फाइव आई यानी ये वाई फेज के वजह से जनरेट हुआ और B बी यानी ये बी फेज के वजह से और ये कैसे है सभी के सभी 120 डिग्री से फेज शिफ्टेड है ठीक है तो ये स, जो प्रोडक्शन है आर का वो प्रोडक्शन तीन, तीन फेज में डिस्ट्रीब्यूट होता है आर फेज में अलग प्रोड्यूस होता है वाई फेज में अलग प्रोड्यूस होता है बी फेज में और सभी का एडिशन जो है वो पूरा एक आर होता है ठीक है अब ये प्रोड्यूस तो हुआ लेकिन ये रोटेट कैसे होता है तो रोटेट होने के लिए अपन कंसीडर करते एक थ्री पे सप्लाई अपने को पता है कि जो सप्लाई आता है वो साइनोसाइडल होता है साइनोसाइडल होता है इसका मतलब जिसके अंदर अलग अलग एंगल्स होते हैं जैसे केस वन में मैंने पहला एंगल लिया जीरो डिग्री तो जीरो डिग्री में आपको क्या दिख रहा है कि जीरो डिग्री में ये जो आपको जो फ्लक्स मिला है वो फ्लक्स कैसा है एग्जैक्टली exactly 90 डिग्री में है वो भी डाउनवर्ड साइड में जैसे अपन 60 डिग्री पे जाते हैं यानी थोड़ा सा और साइनोसाइडली आगे अगर जाते हैं तो ये जो टोटल फ्लक्स मिलता है वो थोड़ा सा अभी क्या हो गया 90 डिग्री से यहाँ से रोटेट होकर ये 45 पे आ गया अब फिर ये दोबारा 120 पे गया तो ये यहां से इस तरीके से फ्लक्स आ गया अब नेक्स्ट 180 डिग्री पे गया तो यहां से फ्लक्स इस तरीके से चला गया और जैसे ही अपन आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये धीरे धीरे जो फ्लक्स है वो अपनी पोजीशन क्या करता है चेंज करते जाता है इसका मतलब क्या होता है कि जो टोटल फ्लक्स है वो क्या हो रहा है रोटेड हो रहा है पहले इस पोजिशन में था फिर इस पोजिशन में गया फिर इस पोजिशन में गया फिर इस पोजिशन में गया और फिर इस पोजिशन में गया और इस तरीके से ये जो आ एमएफ5 वो क्या होता है रोटेट होता है और इसको अगर अपने को कैसे रोटेट होता है ये देखना है तो इसके लिए यदि ज्यादा इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है कुछ नहीं ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 लीजिए ओमेगा टी के जगह आप पुट करते जाइए आपको वैल्यू मिलते जाएगी आप इन दोनों को तीनों को ऐड कीजिए ऐड करने के बाद आपको एक जो है इक्वेशन मिलेगा उस लिनियर इक्वेशन को आपको एंगुलर में कन्वर्ट करना है एंगुलर में कन्वर्ट करके आपको ये जो टोटल फ्लक्स है इन टोटल फ्लक्स को वेक्टर डायग्राम से ड्रॉ करना है बहुत ही सिंपल है आप वेक्टर ड्रॉ से ड्रॉ करते जाइए आपको ये अलग अलग पे आपको आर एम एफ मिलता जाएगा तो इसका मतलब जो कंक्लूजन यही निकलता है कि जैसे जैसे साइनोसाइडियल वेव जो है आगे बढ़ते जाती है वैसे वैसे आपका जो आर एम एफ है वो क्या होते जाता है रोटेट होते जाता है ठीक है तो नेक्स्ट वी वन क्वेश्चन वे बी अराइजिंग चलो मान लेते हैं कि आर एम एफ जो है रोटेट होने के वजह से यहाँ पे इंडक्शन मोटर रोटेट हो रही है लेकिन कितने स्पीड में रोटेट हो रही है तो इंडक्शन मोटर जब भी जब भी रोटेट होती है तो वो हमेशा आरएमएफ के स्पीड के लेस देन ही रोटेट होती है कभी भी ये आरएमएफ के इक्वल नहीं होता आरएमएफ का स्पीड यानी सिंक्रोनस स्पीड तो हमेशा जब भी मोटर जो रोटेट होती है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से लेस देन ही होती है तो क्वेश्चन ये आ होता है कि क्यों वाई वाई इंडक्शन मोटर नेवर रन ऑन सिंक्रोनस स्पीड यानी कभी भी ये सिंक्रोनस स्पीड पे रन क्यों नहीं होती तो इसके लिए जानने के लिए आपको थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा सो नाउ लेटेस्ट डिस्कस अबाउट की वाई इंडक्शन मोटर इज नेवर रन ऑन सिंक्रोनस स्पीड सो so फर्स्ट कि जब भी मैकेनिकल लोड जब आपका जीरो रहेगा यानी मोटर आपकी आइडियली होती है उस वक्त अपन बोल सकते हैं कि मोटर की स्पीड ये सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली क्या होता है तो बट प्रैक्टिकली द मोटर स्पीड इज नेवर इक्वल टू द सिंक्रोनस स्पीड इनफैक्ट द एनएफ इज ऑलवेज लेस देन द एन एस यानी मोटर की स्पीड जो है वो हमेशा सिंक्रोन स्पीड से लेस देन होती है अब ये क्यों होता है इसके लिए बिकॉज if अगर अपन मानते हैं कि nm और ns अगर दोनों इक्वल हो गए तो क्या होगा दोस्तों अगर nm और ns अगर दोनों इक्वल अगर हो जाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी जो अपन ने पढ़े हैं rmf और रोटर के बीच में ये जीरो हो जाएगी अगर ये जीरो हो गई तो उसके वजह से emf जो है वो जीरो हो जाएगा emf अगर जीरो हो गया तो रोटर करंट जीरो हो गया रोटर करंट अगर आपका जीरो हो गया तो इसका मतलब टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा मोटर में वो भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्योंकि टॉर्क कौन प्रोड्यूस करता है रोटर करंट तो रोटर करंट की वजह से जो टॉर्क है वो जीरो हो जाएगा और अगर टॉर्क जीरो हो गया तो धीरे धीरे आपकी जो मोटर है वो क्या होती जाएगी स्टॉप होती जाएगी और इसीलिए कभी भी इंडक्शन मोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट नहीं होता नाउ नेक्स्ट द ओवरव्यू एंड द असाइनमेंट ने अभी तक इस वीडियो में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़े वर्किंग प्रिंसिपल पढ़े प्रोडक्शन ऑफ आर एम एफ पढ़े और लास्ट की इंडक्शन मोटर या सिंक्रोन स्पीड पे क्यों नहीं होती है देर इज अ वन क्वेश्चन फॉर असाइनमेंट आप सभी को यह कॉपी में असाइनमेंट लिखना है एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर